दोस्तों, आज की कथा का नाम है संतुष्टि। एक लगभग 12-13 साल का बच्चा अपने घर के पास एक दुकान में गया और दुकानदार से बोला, अंकल क्या मैं एक फोन कर सकता हूँ? दुकानदार ने सहमति जताई तो वह बच्चा फोन के पास गया और उसने एक नंबर डायल किया। उधर से एक महिला की आवाज़ आई। दुकानदार ध्यान से उस बच्चे की बात सुनने लगा। बच्चे ने पूछा, मैडम मुझे पता चला है कि आप अपने बगीचे की देखभाल के लिए कोई आदमी ढूंढ रही है। मैं आपके बगीचे में काम करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे मौका देंगी? महिला ने जवाब दिया, नहीं, मैंने कुछ समय पहले एक लड़के को रख लिया है, अब मुझे किसी नए आदमी की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे ने कहा, मैडम यदि आप मुझे मौका दें तो मैं उस लड़के को दी जाने वाली सैलरी से आधी सैलरी पर काम कर सकता हूँ। महिला ने जवाब दिया, नहीं, मैं उस लड़के के काम से बहुत संतुष्ट हूँ और अब कोई आदमी बदलना नहीं चाहती। बच्चे ने फिर कहा, मैडम मैं उसी वेतन में आपके बगीचे के चारों तरफ के रास्ते को भी साफ कर दूंगा। महिला ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे कोई नया आदमी नहीं चाहिए, धन्यवाद। इतना कहकर महिला ने फोन रख दिया। बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई, लेकिन दुकानदार को उस बच्चे पर जैसे दया सी आ गई। दुकानदार ने कहा, बच्चे मैं तुम्हारी बात ध्यान से सुन रहा था और मैं तुम्हारी बात से बहुत प्रभावित हुआ। तुम्हें काम की तलाश है और मुझे तुम्हारे जैसे आदमी की तलाश थी। मैं तुमको अपनी दुकान पर काम देता हूँ। बच्चे ने कहा, नहीं अंकल, मुझे कोई नौकरी नहीं चाहिए, दरअसल मैं ही वह लड़का हूँ जो उस महिला के यहाँ काम करता हूँ। मैं तो केवल यह देखना चाहता था कि क्या मेरे काम से संतुष्ट है या नहीं। मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि वह मैडम मेरा काम पसंद कर रही है। दुकानदार उस बच्चे की बात सुनकर दंग रह गया। दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार कथा और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल का आइकॉन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।